हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वॉचर एडिक्टिव। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक हॉलीवुड रोमांटिक ड्रामा मूवी को, जिसका नाम है स्प्रेड, जिसे 2009 में रिलीज किया गया था। कहानी के स्टार्ट होते ही हम निकी नाम के बंदे को देखते हैं। निकी हमसे कह रहा था, मुझे बचपन में ही पता चल गया था मैं बहुत ही स्मार्ट हूँ। मेरी मॉम की फ्रेंड्स को मैं बहुत ही अच्छा लगता था। जब मैं बड़ा हुआ तब उनकी एक फ्रेंड के साथ मेरा अफेयर भी हो गया था। मैंने हमेशा से इमेजिन किया है मैं बड़ी सिटी में रहूंगा और मेरी बहुत सारी गर्लफ्रेंड होंगी, और ये सच भी हुआ है। लेकिन इस बात में थोड़ा सा ट्विस्ट था। उसके पास रहने की जगह नहीं होती और इसके लिए वो अमीर लड़कियों को ढूंढता रहता है और वो उन्हीं के घर पर रहता था। एक रात वो एक क्लब में जाता है। वो क्लब की बहुत सी लड़कियों को जानता था क्योंकि उसका ज्यादातर लड़कियों के साथ अफेयर रह चुका था। फिर वो एक लड़की को नोटिस करता है जिसके पास काफी सारी एक्सपेंसिव चीजें होती हैं। उसका नाम समांथा होता है। समांथा को पार्टी से जाता हुआ देखकर वो उसके पीछे पीछे चलने लगता है। वो उससे उसका नाम पूछने लगता है। वो उसे कहता है, तुम बहुत ही ब्यूटीफुल हो, लेकिन तुम इतनी जल्दी क्यों जा रही हो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर सकता हूँ। समांथा कहती है, तुम भी क्यूट हो, लेकिन मैं तुम्हें अपने घर नहीं लेकर जाऊंगी। फिर वो उसे पूछता है, क्या तुम्हारी शादी हो गई है? समांथा कहती है, नहीं हुई है। निकी पूछता है, क्या तुम किसी से प्यार करती हो? समांथा इसके लिए भी मना करती है। फिर वो समांथा के बहुत करीब आ जाता है और ये दोनों किस कर लेते हैं। निकी फिर समांथा के साथ उसके घर पर आ जाता है और वो हमसे कहता है, लड़कियों के सामने बहुत सी स्टूपिड चीजें करो तो उन्हें सेफ लगेगा। उसे लड़कियां पटाने की बहुत सारी ट्रिक आती हैं। इसके बाद ये दोनों आजरा टपा टप करते हैं। अगली सुबह समांथा निकी को उठाती है लेकिन वो नहीं उठता। ये भी उसकी एक ट्रिक थी ताकि वो वहां पर रह सके। समांथा उसके लिए अपना एक कार्ड छोड़कर गई थी। इसके बाद वो समांथा के लिए फ्लावर्स मंगवाता है और उसे कुक करना नहीं आता, लेकिन वो समांथा को खुश करने के लिए कुक भी करता है क्योंकि उसे पता था लड़कियों को एफर्ट करने वाले लड़के बहुत पसंद आते हैं। समांथा के आने के बाद वो उसे बहुत स्पेशल फील कराता है। समांथा निकी से पूछती है, क्या तुम कोई काम भी करते हो? निकी कहता है, मैं सब नॉर्मल चीजें करता हूँ, उठता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, इंजॉय करता हूँ, यही सब मेरा रूटीन है। निकी उसे ज्यादा कुछ बोलने नहीं देता और ये दोनों फिर से बजाना स्टार्ट कर देते हैं। ये एक दूसरे के साथ काफी इंजॉय करने लगे थे और एक दूसरे की लाइफ मेंटेन करना यही इनकी लाइफ बन चुकी थी। कुछ दिनों के बाद निकी बोर हो जाता है। समांथा कब घर से बाहर जाएगी वो इस बात का वेट करने लग जाता है। एक दिन समांथा कहती है, मुझे काम से न्यूयॉर्क जाना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? निकी कहता है, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता क्योंकि उसे पार्टी करनी थी। वो उसे एयरपोर्ट तक ड्रॉप करता है और तुरंत पार्टी की तैयारी शुरू कर देता है। निकी का एक बहुत ही अजीब फ्रेंड था जिसका नाम हैरी होता है। जब निकी के पास रहने की कोई भी जगह नहीं होती तब वो हैरी के पास जा जाता है। निकी हैरी को भी समझा रहा होता है कि लड़कियों को कैसे हैंडल करना है। तभी पार्टी में निकी की एक्स गर्लफ्रेंड आ जाती है। वो हंगामा करने लगती है। निकी हैरी से कहता है, जल्दी से इसे घर लेकर जाओ वरना मेरी असलियत सबके सामने आ जाएगी। वो पार्टी में सभी लड़कियों को बता रहा था वो बहुत ही बड़ा मिलियनेयर है। फिर एक लड़की उसे अप्रोच करती है और उसे अपना घर दिखाने के लिए बोलती है। घर दिखाते हुए निकी उसे अपने बेडरूम तक ले जाता है और वहीं पर उसकी ठुकाई करता है। इसके बाद अगले सीन में निकी और हैरी हैंगआउट कर रहे थे। तब हैरी कहता है, तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड पूछ रही थी कि उसके जाने के बाद भी तुमने ऐसे पार्टी की होगी। निकी पूछता है, क्या तुमने उसे सच बता दिया? हैरी कहता है, मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। ये सब करते हुए निकी को थोड़ा सा भी बुरा नहीं लगता। वो लड़कियों की फीलिंग्स की ज्यादा परवाह नहीं करता। अगले दिन पार्टी की सभी गंदगी मेड को साफ करनी पड़ती है और इसी वजह से समांथा को सारी बात पता चल जाती है। फिर उसे समांथा का कॉल आता है और वो उसे बताती है वो किस दिन घर आने वाली है। आज निकी सभी लड़कियों को कॉल कर रहा था और वो हमसे कहता है, अगर वो लड़कियों को कॉल ना करे तो उसका गेम खराब हो जाएगा, उसे हमेशा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इसके बाद अगले सीन में वो अपनी एक पुरानी फ्रेंड को घर पर बुला लेता है। उसकी फ्रेंड कहती है, अब तुम किसे फंसा रहे हो? वो निकी को अच्छी तरीके से जानती थी। वो कहती है, अगर तुम अभी भी ये सब करते रहे तो 10 साल के बाद तुम्हारा हाल बहुत बुरा होगा। ये सब करने से तुम्हें कोई भी खुशी नहीं मिलती। हम दोनों के बीच में जो भी था वो बहुत ही अच्छा था। उसके दिल में निकी के लिए फीलिंग्स थी, वो उससे कमिटमेंट चाहती थी, लेकिन निकी इस बात को सीरियसली नहीं लेता। फिर ये दोनों खपा गप करते हैं और वो उससे पूछती है, क्या हम अपनी रिलेशनशिप को एक और चांस दे सकते हैं? निकी इस बात का कोई भी आंसर नहीं देता। वो लड़की रियलाइज करती है निकी उसकी जरा भी केयर नहीं करता। फिर समांथा निकी को रंगे हाथ पकड़ने के लिए एक दिन जल्दी घर आ जाती है। वो किसी और लड़की के साथ घपा घप कर रहा था और वो इस बात के लिए समांथा को सॉरी कहता है। फिर वो कहता है, मैंने तुम्हें चीट नहीं किया, हम दोनों के बीच में जो भी है हमने इसे एक प्रॉपर नाम अभी भी नहीं दिया है।
इन दोनों को पता था ये एक दूसरे से प्यार नहीं करते और झगड़े झगड़े में ये लोग डिसाइड करते हैं ये लोग फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स की तरह रहेंगे। ये लोग फिर से अपना अफेयर कंटिन्यू करते हैं और निकी समांथा की जमकर ठुकाई करता है। एक दिन कैफे में निकी को एक लड़की पसंद आती है जिसका नाम हैदर था। निकी हैदर से बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे थोड़ा सा भी भाव नहीं देती। निकी उससे फिर से बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे हर बार मना कर देती है। फिर निकी जाते टाइम एक पेपर पर अपना नंबर लिख देता है और बिना पैसे दिए वहाँ से चला जाता है। वहाँ पर एक डिलीवरी मैन था जो निकी का पता जानता था, तो हैदर निकी का एड्रेस पता करके डायरेक्ट उसके घर पर आ जाती है। वो निकी से कहती है, आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो, मेरे पैसे वापस करो। वो उससे पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं समांथा निकी के पास अपनी खुदवाने के लिए आती है लेकिन निकी उससे ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं देता। इसके बाद निकी अपने फ्रेंड को लेकर हैदर के कैफे में जाता है ताकि उसका फ्रेंड उसकी हेल्प कर सके। वहाँ पर निकी ऐसा दिखाने की कोशिश करता है वो बहुत ही बिजी मैन है और उसके पास बहुत सारे मीटिंग्स के कॉल आ रहे हैं। फिर अचानक से उसका फेक फोन भी बजने लगता है। बाहर रॉन्ग पार्किंग करने की वजह से उसे पार्किंग टिकट मिल रहा था। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे तो वो लेडी ऑफिसर के साथ फ्लर्ट करने लगता है। ये देखकर हैदर बहुत हंसती है। अगले सीन में समांथा नोटिस करती है निकी का ध्यान आजकल कहीं और चल रहा है। अगले दिन निकी अपने फ्रेंड हैरी के साथ था। हैरी का रूम स्मेल कर रहा था तो इस बात का निकी बहुत मजाक उड़ाता है। इस बात से गुस्सा होकर हैरी निकी को बाहर निकाल देता है। फिर एक दिन निकी के पास हैदर का कॉल आता है। वो आज रात निकी के साथ डेट पर जाना चाहती थी। डेट पर हैदर थोड़ा लेट पहुंचती है। जब ये दोनों बात कर रहे थे तब हैदर को किसी का कॉल आता है और वो उसे मंकी कहती है और इस कॉल के कट होते ही वो यहाँ से जाने लगती है। इस बात से गुस्सा होकर निकी उसे पूछता है लेकिन वो फिर भी वहाँ से चली जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं समांथा निकी से पूछती है, क्या तुम्हारा किसी और के साथ अफेयर चल रहा है? निकी उसे मना करता है। फिर समांथा कहती है, मुझे हॉस्पिटल छोड़ दो। वो हॉस्पिटल क्यों जा रही थी ये बात वो निकी को नहीं बताती। आज रात हैदर निकी को फिर से कॉल करती है और वो उससे पूछती है, क्या तुम घर पर अकेले हो? और कॉल कट होते ही वो उसके स्विमिंग पूल में होती है। निकी कहता है, तुमने उस दिन बहुत अजीब बिहेव किया था और ये मंकी कौन है? हैदर कहती है, मैं अपने छोटे भाई को मंकी बुलाती हूँ, वो थोड़ा एबनॉर्मल है, उसी की वजह से मैं वहाँ से जल्दी चली गई थी। ये बात कहकर वो रोने लगती है। निकी को उसके लिए थोड़ा बुरा लगता है। फिर ये दोनों रूम में आकर गपागप करते हैं। ये दोनों एक दूसरे के बारे में काफी कुछ जान लेते हैं। अगली सुबह स्ट्रीट की क्लीनिंग चल रही थी। हैदर सोई हुई थी तो उसकी गाड़ी निकी को मूव करनी पड़ती है। निकी नोटिस करता है हैदर के पास काफी एक्सपेंसिव कार है। जो भी कुछ हैदर ने निकी से कहा था वो सब कुछ झूठ था। जिस तरीके से निकी अमीर लड़कियों को फंसाता है उसी तरीके से हैदर अमीर लड़कों को फंसाती है। ये सब कुछ निकी समझ जाता है और वो उसे घर से निकाल देता है। दो दिन के बाद समांथा हॉस्पिटल से घर आती है। उसने अपने प्राइवेट पार्ट की सर्जरी करवाई थी, उसे रेस्ट की जरूरत थी, तो निकी क्लब में चला जाता है। रात भर वो किसी और लड़की के साथ था, इसी वजह से समांथा बहुत गुस्सा हो जाती है। निकी भी इस सबसे परेशान हो गया था तो समांथा से कहता है, अब हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। समांथा का गुस्सा शांत होने के बाद निकी कहता है, तुम्हें भी कोई और मिल जाएगा। समांथा निकी से पूछती है, अब तुम कहाँ जाओगे? निकी को कोई भी आइडिया नहीं था लेकिन तभी उसे एक लड़की का कॉल आ जाता है। समांथा इस बात पर गुस्सा हो जाती है और वो उसका फोन छीन कर पानी में फेंक देती है। निकी इसके बाद चला जाता है और अब उसके पास कोई भी जगह नहीं थी जहाँ वो जा सके, उसे स्ट्रीट पर ही रहना पड़ता है। फिर रात में वो अपनी एक ओल्ड फ्रेंड के पास आता है और वो उसे कहता है, तुम मुझे बहुत अच्छी लगने लगी हो। वो इस बात पर थोड़ा सा भी बिलीव नहीं करती। वो उससे कहती है, अगर तुम मुझसे थोड़ा सा भी प्यार करते तो मेरी लाइफ में क्या चल रहा है इसके बारे में तुम्हें पता होता। वो अब किसी और के साथ रिलेशनशिप में थी और अब निकी के साथ नहीं रह सकती। इसके बाद निकी अपने फ्रेंड हैरी के पास क्लब में आता है। हैरी अपने दूसरे फ्रेंड के साथ क्लब में था। उसका फ्रेंड क्लब की लड़कियों के साथ बहुत ही बदतमीजी से बात करता है। ये बात निकी को पसंद नहीं आती और निकी का उसके साथ झगड़ा हो जाता है। इसके बाद वो क्लब से बाहर आ जाता है। हैरी क्लब के बाहर आकर निकी से कहता है, आखिर तुम कर क्या रहे हो? निकी कहता है, लड़कियों के साथ इस तरीके से बात करना अच्छा नहीं लगता। हैरी कहता है, लड़कियों की फीलिंग्स के बारे में तुम क्या जानते हो? मैं अपनी सिस्टर को तुम्हारे करीब भी ना आने दूं। निकी उसकी सिस्टर के बारे में कुछ गंदा बोलता है और इन दोनों के बीच में फाइट हो जाती है। अब वो उसके साथ भी नहीं रह सकता। वो एक दूसरे क्लब में जाने का ट्राई करता है लेकिन उस क्लब में एक प्राइवेट पार्टी चल रही थी। इसके बाद वो अपनी मदर को कॉल करता है। इस सिटी में आने के बाद वो अपने घर पर कभी नहीं गया था। उसकी माँ उससे पूछती है, क्या तुम वहाँ पर कोई काम कर रहे हो? निकी इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता। इस वजह से उसकी मॉम भी उस पर गुस्सा थी। एक दिन वो होटल में जाकर एक ग्रीस लेडी के साथ फ्लर्ट करता है। ये सब करते हुए हैदर उसे देख लेती है। फिर निकी उसके पास आता है और उसके साथ उसने जो भी किया था इस सब के लिए वो उसे सॉरी कहता है। हैदर कहती है, मुझे तुम्हारी सिचुएशन के बारे में पता है, हम दोनों एक ही जैसे हैं। निकी के पास खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। हैदर फिर उसे अपने घर पर लेकर जाती है।
उसके प्रीवियस बॉयफ्रेंड के साथ उसका भी ब्रेकअप हो गया था, लेकिन आज रात उसकी एक डेट फिक्स थी। डेट से वापस आने के बाद वो निकी के साथ टाइम स्पेंड करती है। इसके बाद हैदर को एक फ्रेंड का कॉल आता है, एक मिलियनेयर है जिसका अभी अभी ब्रेकअप हुआ है, तुम वहां पर जाकर ट्राई कर सकती हो। हैदर फिर निकी को भी उस पार्टी में लेकर जाती है। उस मिलियनेयर को पटाने के लिए निकी हैदर की हेल्प करता है। वो उसे हंसने के लिए कहता है और उसके साथ डांस करने के लिए कहता है। मिलियनेयर हैदर को नोटिस करता है और फिर ये दोनों बात करने लगते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद निकी हैदर से कहता है, तुम उससे जितने भी पैसे लोगी उसमें मुझे भी थोड़ा कट चाहिए, लेकिन हैदर उसे साफ साफ मना कर देती है। फिर हैदर उसे काउच पर सोने के लिए कहती है। रात में निकी हैदर के पास आ जाता है और वो कहता है, हम दोनों एडल्ट्स हैं, एक दूसरे पर कंट्रोल तो कर ही सकते हैं। फिर वो स्लोली स्लोली उसके पास आकर सेड्यूस करने लगता है और उसकी जमकर ठुकाई करता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ जब भी होते हैं बहुत ऑनेस्ट होते हैं। फिर एक दिन डिनर करते टाइम एक लड़की निकी को पहचान लेती है। वो उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करती है। ये बात हैदर को अच्छी नहीं लगती। वो निकी की सारी सिचुएशन समझ लेती है। फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी सारा टाइम स्पेंड करते हैं। हैदर का किसी और आदमी के साथ बाहर जाना निकी को अच्छा नहीं लगता। एक दिन हैदर को अपने बॉयफ्रेंड से एक एनवलप मिलता है जिसमें उसे शादी के लिए पूछा गया था। वो इसके बारे में निकी को बताती है। वो उसे कहती है, मेरा उसके साथ अभी अभी ब्रेकअप हुआ है। निकी बहुत ज्यादा सरप्राइज था क्योंकि इस बॉयफ्रेंड के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता था। हैदर कहती है, वो बहुत ही ज्यादा अमीर है। निकी पूछता है, तो फिर आखिर तुमने उसके साथ ब्रेकअप क्यों किया? हैदर कहती है, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ और अब इस सिचुएशन में क्या किया जाए। इसका निकी के पास कोई भी आइडिया नहीं था। फिर वो बाहर चला जाता है। घर आने के बाद उसे पता चलता है हैदर न्यूयॉर्क जा रही है। उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो जा चुकी होती है। अगले दिन वो ग्रोसरी लेने के लिए गया हुआ था, तब उसे एक फ्रेंड मिलती है जो बहुत ही ज्यादा ड्रंक थी। वो ऐसे में उसे ड्राइव नहीं करने दे सकता था, इसलिए वो उसे घर छोड़ने के लिए जाता है। तभी उसे हैदर का कॉल आता है। निकी उसे कहता है, प्लीज घर वापस आ जाओ, हम कुछ ना कुछ तो कर लेंगे, मैं कोई जॉब कर लूंगा। तभी हैदर उस लड़की की आवाज़ सुनती है और वो गुस्से में फोन कट कर देती है। घर आकर निकी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। वो हैदर की रूममेट से बात करता है। वो रूममेट कहती है, अब तुम्हें कमिटमेंट दिखानी चाहिए, तुम उसके लिए रिंग लेकर जाओ और शादी के लिए प्रपोज करो। निकी को भी ये आइडिया अच्छा लगता है। वो अपने फ्रेंड हैरी की हेल्प लेकर एक रिंग खरीदता है और न्यूयॉर्क पहुंच जाता है। वो न्यूयॉर्क जाकर देखता है तो हैदर एक बहुत ही बड़े घर में रह रही थी। निकी उसे समझाता है, ये सब चीजें जो तुम कर रही हो इसमें से कुछ भी रियल नहीं है, तुम उसके साथ कभी भी खुश नहीं रह पाओगी। हैदर कहती है, हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, तुम सिर्फ बातें करते हो लेकिन उसके आगे कुछ नहीं करते। इसी बात से वो बहुत डरती है। वो उसे बताती है अब उसकी शादी हो गई है। निकी कहता है, लेकिन तुम डिवोर्स ले सकती हो। हैदर कहती है, मैं डिवोर्स नहीं ले सकती, मैं खुद ही ये सब चाहती हूँ। तभी उसका हस्बैंड घर आ जाता है और हैदर कहती है, इस डिलीवरी बॉय को इसकी टिप दे दो। उसका हस्बैंड निकी को टिप दे देता है। ये सब देखकर निकी का हार्ट ब्रोकन हो जाता है। यहाँ से जाने के बाद वो डिसाइड करता है अब ऑनेस्टी के साथ अपनी लाइफ बिताएगा। अब एक्चुअल में उसने डिलीवरी बॉय की जॉब कर ली थी। एक दिन वो समांथा के घर पर भी डिलीवरी देने के लिए गया और ये एक दूसरे को अपना ख्याल रखने के लिए कहते हैं। फिर निकी हमसे कहता है, इस सिटी में बहुत सारे लड़के अपने सपने लेकर आते हैं। कुछ दिनों के बाद वो वापस चले जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। यहाँ रहकर वो फाइट करेगा और रियल प्यार ढूंढने के लिए वो होपफुल था। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।